सोशल मीडिया पे रविंद्र कुशवाहा वापस जाओ, बांसडी और सातवार में भी उनके विरोध देखा गया है। देखिए, हमारे घटक दल जरूर है ओम प्रकाश जी, और हमारे निष्ठा से उनका घटक दल में जुड़ा हुआ है। पहले भी वो हमारे घटक दल के तहत रहे, बीच में दूर हो गए थे, पुनः वापसी हुई है। ये सब चर्चाएं टिकट मिलने के पहले की थी। सलेमपुर लेकर बात करते हैं, लोकसभा सलेमपुर में क्या है प्रक्रिया? जी, लोकसभा सलेमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मौजूदा सांसद रविंद्र कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। अब समीकरण तैयार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव कैसे जीते। ओम प्रकाश, राजभर भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, यानी एनडीए में शामिल हैं। वहाँ 2009 में ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव लड़ चुके हैं घोसी से। अब वहाँ से कुशवाहा बिरादरी की बात करें तो रविंद्र कुशवाहा मौजूदा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार तीसरी बार उन्हें मौका दिया है लोकसभा सलेमपुर में चुनाव लड़ने का। लेकिन अंदर खानों में क्या है, सोशल मीडिया पर आ रही है कि आखिर रविंद्र कुशवाहा का कहीं ना कहीं क्यों विरोध हो रहा है? क्या ये प्लानिंग है या फिर जनता नाराज है? क्या मौजूदा सांसद को लेकर जो प्रतिक्रिया आ रही है लोगों में वो क्या क्या सही है क्या गलत? आइए बात करते हैं, हमारे साथ मनीष सिंह हैं जो सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जी, ये देखा जा रहा है, जब से ओम प्रकाश का रविंद्र कुशवाहा का टिकट घोषणा हुई, कुछ लोगों ने विरोध किया, तब की सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी इशारों में टिप्पणी की, इशारों में क्या खुल के कहा कि यहाँ के मौजूदा सांसद गरीबों की मदद नहीं करते हैं, हमारी सोच थी कि दयाल लड़े यहाँ से चुनाव, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सोशल मीडिया पे रविंद्र कुशवाहा वापस जाओ, बांसडी और सातवार में भी उनके विरोध देखा गया, ऐसा क्या? देखिए, हमारे घटक दल जरूर है ओम प्रकाश जी, और हमारे दल के साथ निष्ठा से उनका घटक दल में जुड़ा हुआ है। पहले भी वो हमारे घटक दल के तहत रहे, बीच में किसी कारणों से वो दूर हो गए थे, पुनः वापसी हुई है। ये सब चर्चाएं टिकट मिलने के पहले की थी। टिकट में के बाद सभी की निष्ठा भाजपा के प्रति है, लोगों का आक्रोश जनप्रतिनिधि के प्रति हो सकता है, परंतु सारा वोट बीजेपी को जाएगा और बीजेपी ही तीसरी बार सलेमपुर में चुनाव जीतेगी। मुद्दा उठता है विकास का कि मौजूदा सांसद ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, ये क्या सच्चाई है? कहाँ तक मतदाता सच बोल रहे हैं? मतदाता जितना जानता है उतना ही बता पाता है, परंतु अपने कार्यकाल में उन्होंने काम कराए हैं। सलेमपुर लोकसभा अंतर्गत हो सकता है कि जो मतदाता कह रहा हो उसके क्षेत्र में काम ना हुआ हो, परंतु लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने काम कराए हैं। अब जब उनसे उनके कराए हुए कार्यों की गणना की जाएगी तो काम दिखाई देंगे, परंतु जो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जनता रहती है वो जानती है कि हमारे क्षेत्र में उनका कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा कोई वो नहीं है। सरकार की योजनाएं हर क्षेत्र में पहुंची हैं, हर क्षेत्र में हर लाभार्थी तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, सरकार के ही लोग हैं ना कि किसी व्यक्ति के हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है, तो 2014, 2019, 2024 चुनाव होने वाले हैं। 1 जून को बलिया में चुनाव है, यानी बात करें सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को चुनाव होंगे, क्या परिणाम आएंगे? भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूती से लड़ेगी या सामने कोई बड़ा चेहरा आएगा फिर कायदे से मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है उसको मेहनत करनी पड़ती है, और पिछले बार के भी अगर गणना आप करेंगे तो सपा बसपा के गठबंधन के तहत हमारा विपक्ष था जो काफ़ी मजबूत था, परंतु हमने 2014 के अंतर से भी अधिक अंतर से उन चुनाव को हमने जीता है, और इस बार भाजपा गठबंधन भी हमारे साथ है, तो विपक्ष एकदम से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा पिछली बार से अधिक वोटों से चुनाव जीतेगी सलेमपुर में, ये निश्चिंत है। तो आपके कहने का मतलब है कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक दल मिलके जब कैंडिडेट के रूप में वहाँ चुनाव कोई लड़ा, लेकिन जो फ़ायदा इन लोगों ने सोच के वहाँ चुनाव मैदान में उतरा वो फ़ायदा नहीं मिला और रविंद्र कुशवाहा वहाँ चुनाव जीते, क्या ये फैक्टर इस बार भी रहेगा? इस बार फैक्टर है एकदम नहीं है, एकदम भाजपा के पक्ष में है, भाजपा एक तरफा चुनाव जीत रही है वहाँ, क्योंकि भाजपा का गठबंधन भी हमारे साथ बहुमत के साथ है, कहीं से कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता विकास को लेकर चर्चा जरूर करेगा, फिर जवाब क्या देंगे? जनप्रतिनिधि से उसके परिवार के लोग चर्चा करते हैं,
और करने का अधिकार भी है, उनसे चर्चा करेंगे लेकिन परिवार में रह कर ही वोट करेंगे। अच्छा प्रमुख कुछ काम हैं जो दिख रहे हैं जो जनता को याद आए? हाँ, सलेमपुर लोकसभा में उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया है जो कि अब देवरिया डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। यहाँ पे संपर्क मार्गों का काम कराया है, इसके अलावा व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुँचाने का भी काम किया है। इस तरह के काफ़ी काम है क्षेत्र में जो कि छोटी छोटी पूर्व में संपर्क हुए हैं और लोग उनसे लगाव में हैं। चलिए दोस्तों, बात होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। जैसे आपने चर्चा देखा कि मनीष सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव में इस बार भी मौजूदा सांसद रविंद्र कुशवाहा कायदे से चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि जनता एक बार फिर उन्हें मौका देने जा रही है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक जुड़े रहें बलिया चंद से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।